चमोली महातबाही पर हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट सामने आई है। वो रिपोर्ट क्या कहती है जानकारी आपको देने। रौंथी पर्वत पर हैंगिंग ग्लेशियर टूटने के बाद ये तबाही आई। हादसे से 8 घंटे पहले आधा किलोमीटर लंबा ग्लेशियर टूटा था। 6 फरवरी की रात में चमोली आपदा की शुरुआत हो गई थी। राज्य सरकार को तबाही की पहली रिपोर्ट सौंप दी गई है कि उसकी वजह क्या रही। ये बताया गया 6 फरवरी को ग्लेशियर का ये हिस्सा टूटा था और उसके बाद पानी इकट्ठा होता गया, अचानक से वेग बना और उसके बाद ऋषि गंगा नदी में ये तबाही देखने को मिली। और सीधा इस वक्त आपको तपोवन लिए चलते हैं। बाहर से मेरे सहयोगी विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, लगातार आपकी ग्राउंड रिपोर्ट टीवी 9 भारतवर्ष के जरिए दर्शकों तक पहुंच रही है। एक, आज 9वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? दूसरी, ये जो पहली रिपोर्ट सामने आई है जो ये बता रही है कि तबाही की वजह क्या रही, अपने आप में चौंकाने वाली जानकारी। बिल्कुल चौंकाने वाली जानकारी है कि कैसे 6 तारीख की रात में ग्लेशियर का इतना बड़ा हिस्सा टूटा, उसने नदी का रास्ता ब्लॉक किया। नदी के रास्ता ब्लॉक करने की वजह से पानी इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुआ और वो पानी अगले दिन सुबह यानी 7 तारीख की सुबह 10 बजे तबाही मचाता हुआ इस पूरे इलाके को ढेर करता हुआ लगभग 200 लोगों की जान ले चुका है, जिसमें से अब तक 53 लोगों की शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 150 से ज़्यादा लोगों के शव अभी बरामद होने हैं। दूसरी बात, तपोवन में जो रेस्क्यू का काम चल रहा है उसमें इस टनल के अंदर 37 लोग थे, जिसमें से अब तक सुबह 7:40 तक 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और कंटिन्यूसली NDRF अंदर मलबे को हटा हटा कर उसके अंदर शवों को तलाश रही है और ये भी कोशिश कर रही है कि क्या कहीं किसी कोने में ऑक्सीजन या ऐसी जगह है जहां कुछ लोग छुपे हो सकते हैं, उस जगह को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसी कोई करिश्मा देखने को नहीं मिला है पिछले 8 दिनों में। इसी करिश्मे की ताक में, उम्मीद में लगातार रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन अब तक कोई करिश्मा नहीं देखने को मिला है और हर मिलती हुई लाश एक उम्मीद को तोड़ रही है, एक आस को तोड़ रही है, जिस आस और उम्मीद के चलते ये पूरा रेस्क्यू चला रहा था, ना सिर्फ टनल में बल्कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की साइट पे जहां पे 68 लोग दब गए थे जिसमें से 12 को जिंदा निकाला गया था और वहां भी लगभग 7 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन उम्मीद विपिन लगातार करनी होगी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंच जाने के बाद स्थिति जो नजर आए उस पर ही यकीन किया जाए और तब तक जिंदगी की उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। शुक्रिया विपिन आपका जानकारी देने के लिए। ग्राउंड पर आप लगातार मौजूद है। रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।